सेक्टर 14 में मोमोज की रेडी है, जितने मोमोज खाने हैं अनलिमिटेड एक्सेस। अच्छा जी, तंदूरी माता जो है ना वो कुछ भी कर सकती है। बस अभी तो स्कूल जा रहे, एक घंटा लग जाएगा। रोम रोम का रोम रोम खुश हो जाएगा, रोम रोम। इसने जो स्कूल देखा ना बच्चे के लिए, वो देखो आप लोग, वो देखो, वो रहा अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये मार्च में इसको स्कूल पर डालेगी। हो जाएगा पीछे, यहाँ बच्चों को खेती करने भी सिखाते हैं। क्या चीज है प्रीति दीदी? एक्सपीरियंस। ध्यान से तेरी अलाइनमेंट ना बिगड़ते। क्योंकि यहाँ एक ट्रक खड़ा था, दूसरा ट्रक कैसे जाएगा? मैं आऊंगा ही नहीं। हाँ तो कोई बात ही, मैं तब भी मुझे बताओ। तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ। और अभी हम जा रहे हैं महिंद्रा की वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी लेने के लिए। उनका कॉल आ गया, गाड़ी रेडी हो गई है। और उमर अभी अभी वापस आया, डैडी को एयरपोर्ट छोड़ गए, डैडी गए हैं चंडीगढ़। तो मैंने कहा उमर तू मुझे छोड़ा, उसके बाद छुट्टी करियो, तेरी दो दिन की छुट्टी है, पर मुझे छोड़ा नहीं तो मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा। और प्रीति गई है घूमने फिरने प्रिया के साथ, तो हम चल रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेके आएंगे, फिर देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनाना है। अपन आ गए हैं गाड़ी लेने के लिए, तो अपनी कार रेडी हो गई है, जो एक पार्ट था वो भी चेंज हो गया, उसकी डिटेल अभी आपको बताता हूँ गाड़ी में बैठ के। एक बार गाड़ी बाहर निकाल लूँ। अभी 5 मिनट के लिए ना यहीं खड़े हैं, क्योंकि वो भैया से ना बोनट ओपन करते हुए वो जो डबल टेप थी उतर गई थी, वो टेप लगा रहे हैं। जो वो बोनट प्रोटेक्टर लगा हुआ था ना, उसकी टेप उतर गई है, तो वो डबल टेप लेने गए हैं, कह रहे मैं दोबारा से लगा देता हूँ इसको। तो ये लगाते ही मैं निकल रहा हूँ। तो ये लग गया अपनी गाड़ी में वापस, इसकी लुक भी अलग ही होती है। तो बस शोरूम से यहाँ अभी अभी निकला हूँ, और बैठते ही प्रीति का ना फोन आ गया है, कह रही है कि कहाँ हो? मैं कहा यार गाड़ी की डिलीवरी ली और वापस आ रहा हूँ। तो कह रही है मुझे मम्मी के घर से लेते चलो, क्योंकि वो प्रिया को लेके गई हुई थी वहां से उसका स्कूल देखने के लिए। सीरत का वो प्ले स्कूल में एडमिशन कराना है, तो वो 3-4 स्कूल विजिट करने गई थी प्रिया के साथ, तो उन लोगों ने विजिट कर लिया। कीरत भी वहां है और प्रमूर भी आज सीधा मम्मी के घर पे आ गई थी स्कूल से, तो अब उनको पिक करके उनको घर छोड़ूंगा और फिर से मैं कहीं काम से निकल जाऊंगा। और ये जो फ्लाईओवर बन गया है ना, इस वजह से भी बहुत बेनिफिट हुआ है। अंडरपास भी बन गया है सीधा, यहाँ से मतलब 14 सेक्टर से निकलो तो सीधा शीतला माता मंदिर पहुंच जाते हो, और वहां से फटाफट अशोक विहार फेज 3। मतलब अंकित के घर जाना ना बहुत आसान हो गया है। यहाँ सिग्नेचर टावर वाले से निकलो और टोटली अंडरपास है, सिग्नेचर टावर का अंडरपास, ये वाला अंडरपास, और सीधा फिर पालम विहार पहुंच जाता है आदमी। इस मामले में गुड़गांव में बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है, जो अंडरपास बनते जा रहे हैं ना फटाफट, ये बहुत बढ़िया बन रहे हैं। हम अंकित के घर पहुंच चुके हैं प्रीति को लेने के लिए, और एक ये बदमाश सिंह आ गया है। ये बदमाश सिंह आ चुका है, स्वागत नहीं करोगे? काय का स्वागत, तू कोई सेलिब्रिटी है? 1 लाख सब्सक्राइबर वाले सेलिब्रिटी होते हैं। अच्छा वो दे, एक और आई है। ओ भाई आजा भाई, तू भी आजा, लगा दो। हाँ तो स्कूल से यही आ गई सीधा? कुश्ती को लड़ रही कुर्सी से, बैठा चढ़ने के लिए भी तो चाहिए ना, चेक लगाना पड़ता है। इन लोगों को उतार दिया घर पे, और अब हम जा रहे हैं अपने काम से। गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग के साथ। और अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होके अपने काम से, और प्रीति अभी अभी वापस आई है कीरत को स्कूल से लेके, और मैं जा रहा हूँ आज क्रिया में, क्योंकि प्रीति को जाना है थार पे और डैडी गए हुए हैं चंडीगढ़। अपने पास गाड़ी एक्स्ट्रा थी तो हम लोग जा रहे हैं, और मेरे साथ जा रहे हैं सोनू और लीन भाभी, और इनको मैंने ड्रॉप करना है रकाबगंज, इन्होंने करोलबाग जाना है, घूम फिर के अगम के साथ आ जाएंगे, और मैं अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। और इन द मीन टाइम वापस आके फिर आपके साथ बातें करेंगे, रास्ते में टाइम मिला तो जरूर करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। पढ़ लिया कर कभी, फेल पास। बाय बाय। डैडी ना होना तो ड्राइवर की भी छुट्टी होती है, और गाड़ी गंदी होती है, ये गंदी, ये थोड़ी साफ, ये पूरी साफ।
कल तक ये गाड़ी नई थी, मतलब सवा साल में 42,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अब सोनू की वेट हो रही है और हलीन भाभी की वेट हो रही है। हो गया 2:45 और हम घर की तरफ हो चुके हैं वापसी के लिए। तो एक मीटिंग थी वो डन हो चुकी है और अब वापसी घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेजी से हो चुकी है। गाड़ी में जो टेम्परेचर आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है और कोई काम है नहीं, तो अननेसेसरी रुकने का भी फायदा नहीं है, सीधा घर चलते हैं। घर चल के बच्चों के साथ कुछ पल एंजॉय करते हैं और मजे मारते हैं, बस यही जिंदगी है। इसी की तरह जिंदगी को जियो, सिर्फ फन मारो। तो अभी धोला कुआं मेट्रो स्टेशन पारी कर रहा था कि अचानक ना प्रिया का कॉल आ गया। प्रिया कह रही है कि जीजू कहाँ हो? मैंने कहा बेटा मैं धोला कुआं पार कर रहा हूँ, तो आप आ जाओ, सीरत के लिए ना स्कूल देखने जाना है। कल वो प्रीति के साथ जेम स्कूल देख के आई है और आज फिर कह रही है कि जीजू चलना है एक पता नहीं ऑर्किड स्कूल देखा है, ऑर्किड या ऑर्चिड जो भी देखा है मुझे नहीं मालूम, तो वो स्कूल देखने जाना है, उसको देखना है कि कैसा बना है। तो जो भी आप फाइनल करोगे फिर वो फाइनल कर दूंगी। तो अब भैया डिसीजन तो करने ही पड़ते हैं जाके। तो अब मैंने प्रीति को कॉल किया कि जल्दी से रेडी हो जा, भूख तो लगी हुई है, रोटी बाद में खा लेंगे, पहले बच्चे का स्कूल देखना है। तो अब जल्दी से स्कूल देखते हैं और फिर बताते हैं कि आपको कैसा लगा स्कूल। हमें फिर प्रिया से भी मिलाते हैं, प्रीति तो आई जाएगी और शायद कीरत भी चल रहे, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, अब तेज चलाते हैं गाड़ी, भूख भी जोरों पे है और स्कूल भी जल्दी देखना है। अपनी कॉलोनी में पहुंच गए हैं और प्रीति को कॉल कर दिया था, जल्दी से बाहर आ जा, फटाफट चलते हैं और उम्मीद है कि बाहर आ गई होगी। वैसे मुझे उम्मीद है भी और नहीं भी, क्योंकि ये लेट लतीफ ऑलवेज होती है। नहीं आई, नहीं आई, मुझे लगा था आ गई होगी, मैं सामने देख रहा था, बट नहीं आई है। हॉर्न बजाने पड़ेंगे जाके, और प्रिया को भी कॉल कर देते हैं कि वो भी गली के बाहर मिल जाएगी। तो हम लोग फिर फटाफट स्कूल देखेंगे और फिर वापस आएंगे, डिसीजन लेंगे कि इसको प्रनूर वाले स्कूल में डालना है या डिफरेंट स्कूल में डालना है। आ गई भाई, हॉर्न बजाते ही आ गई, और कीरत सिंह जी भी आ रहे हैं। गाड़ी में बैठती अल्लाह कर रही है कि एसी बंद कर दो, बाहर 30 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर 30 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी गर्मी लगती है। हम 2 मिनट ना खेले ना हाफ स्लीव में, और खेलते भी हाफ स्लीव में तब भी पसीना आता है। हाँ अच्छा, कुछ ना कुछ खाएगी बस, इसको कोई ना कोई चीज मिल जाए। हाजमोला खा रही है, हाजमा खराब है इसका, मतलब कोई चीज मिल जाए खा ले, मतलब मुँह चलता रहना चाहिए, है ना, जुबान भी चलती है, मुंह भी चलता है, कोई चीज बंद होती नहीं है। और आज ना एक न्यूज़पेपर की खबर पढ़ रहा था, प्रीति ये तेरे लिए भी है, वैसे मेरे लिए भी अच्छी है वो, सुननी, तेरे को सुना रहा हूँ, सुनो और आप लोग भी सुनो। यूपी में ना एक जगह में न्यूज़पेपर में आया है कि एक आदमी अपनी बीवी की चिक चिक और चिल्लाने विलाने की वजह से ना 60 साल तक गूंगा और बहरा बनने का नाटक करता रहा। फर्स्ट क्लास था, शादी पे अपने टाइम से ऐसे हो गया। हाँ, उसने कहा भी कौन इसकी चिक चिक सुनेगा, वो ऐसे ही हो गया। अब उसकी बीवी को पता चला तो उसने हालत खराब कर ली। बेस्ट आइडिया था, बेस्ट आइडिया। वैसे इसको कब से फोन किया था, ये अब आ रही है लटक वटक के, देखो कोई इसको काम काम तो कह दो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब तुम्हें थोड़ा सा काम कह दो तो दिक्कत हो जाती चलने में है। कमजोरी लग रही थी, कमजोरी तेरे को ही लगेगी, तेरे पति को नहीं लग रही। हेलो सीरत, पूरे रास्ता बोलती हुई आई है। हाँ जी मोनू, सीरत हेलो, क्या तेरे? तो प्रिया आ गई है और कह रही है कल सीरत का बर्थडे है, तो पार्टी जो मैंने देनी है ना वो इसी के मुंह से सुन लो, कहाँ देनी है, स्पेशली प्रीति को जान देनी है। सेक्टर 14 में मोमोज की रेडियां, जितने मोमोज खाने हैं अनलिमिटेड एक्सेस। अच्छा जी, तंदूरी पनीर चिकन चटनी वटनी सब कार्ड मिलेगा प्रीति को, फुल एक्सेस को टच करना है ऐसे। अच्छा, और मोमोज खाओ भाई। प्रीति तेरी तेरी फुल बदनामी है, मोमोज फ्री देने हैं चटनी के पास। हां बेटा, ये वॉइस कॉल कर रही है और प्रनूर ने वहाँ से कुछ बताया तो कह रही है ऐसा चेहरा दिखा के क्यों बोला, जैसे इसको उसका चेहरा नजर आ रहा है फोन पे। क्यों भाई? टैलेंट है भाई। कौन टैलेंट है ना प्रीति के अंदर, तुमने भी टैलेंटेड बंदा दिया मुझे, देख लो, एक आपको ही मिला बस। ये एक ही पीस था वर्ल्ड में जो मुझे मिला, दोबारा किसी के पास मिलेगा भी नहीं, अगर मिलेगा तो रोएगा। बस अभी तो स्कूल जा रहे, एक घंटा लग जाएगा, एक डेढ़ घंटा।
आपको ना एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ प्रिया। वैसे ना मैं आप कुछ क्या बोलूँ, आप लोग कहते हो इसको बोलो, इसके बारे में बोलना जरूरी चाहिए। क्यों? इसने सीरत के लिए स्कूल देखा है और स्कूल आप देखोगे ना आपका मन रो रो के खुश हो जाएगा। कहते रोम रोम का रोम रोम खुश हो जाएगा, रोम रोम। इसने जो स्कूल देखा ना बच्चे के लिए, वो देखो आप लोग, वो देखो, बोरा अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये मार्च में इसको स्कूल में डालेगी, ये बाहर इन्होंने अप्रैल में डालेगी, बाहर इन्होंने तंबू लगाए हुए, तंबू में आएगी स्कूल पे। वाह प्रिया वाह, तो बन रहे हैं ना इतना अच्छा। ऑर्चिड स्कूल है, नाम सुना है ऑर्चिड का? ऑर्चिड नाम ही लगे, सर्वोदय कन्या विद्यालय नाम ही लगे। आपको स्कूल दिखाता हूँ, बाहर उन्होंने टेबल कुर्सी भी लगाई हुई है पढ़ने के लिए। वाह 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 वाह, झांक रहा है, इसका मतलब वो बना रहे हैं। वो देखो पूरा ये स्कूल है भाई, क्या गजब स्कूल है, बन रहा है ना। ये प्रिंसिपल का रूम है, ये क्लास रूम है। पीछे वाली बिल्डिंग कहते हैं कि अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगी, बाहर टेबल कुर्सी रखी हुई है बोरी, और यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा, गार्डन बना दिए साथ। कितने बच्चे होंगे, बच्चे तो इसके अंदर ही पढ़ेंगे। प्रीति तो कह रही है आप लोग ही हो, बिल्डिंग देख के बेचारी सुधबुध हो चुकी है इसकी, ये कह रही आप ही हो। हाँ लॉटरी सही है, दो गालियां सीखता पर सीखता तो है भाई। किसी को डेस्क वेस्क ऑर्डर चाहिए ना, यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट कर लेना। आना कहा, ये सामने जो टिल्ला बना उसी में आना और कहा। वाह लोग भी हंसेंगे, भैया कैसे स्कूल में आए हैं। वाह प्रिया स्कूल बने नहीं है जब बेटे, अभी पाँच सात साल अभी और थोड़ी सी बड़ी हो जाए, फिर एक ही बार ओपनिंग करेंगे स्कूल की। अपनी पढ़ी थी कभी जो ये पढ़ रही है? प्रिया वर्किंग पे जा रही है। प्रीति भी पहनने वाली है। प्रिया वाह प्रिया, ये दोबारा देखिए एक बारी, ये ऊपर काम करने जा रही है, यहाँ पे ईटा लगवानी है प्रिया से हमने। सही है प्रिया, छोटू ये छोटू है, सीमेंट बनाना, सीमेंट बनाना छोटू। हेलो छोटू, आप वो जो क्या देते हैं डेली पानी, छोटू छोटू। प्रीति पानी की पाइप पड़ी है, तराई करते जरा ईटों की। प्रीति ईटों की तराई करियो। ये स्कूल को बनने के लिए कम से कम 1.5 साल लगेगा, मैडम जी कह रही है मार्च में हो जाएगा। पीछे यहाँ बच्चों को खेती करने भी सिखाते हैं। देख ले मेरा खेती प्ले ग्राउंड। अच्छा वो रेडी हो गया है, उधर खेती कर सकती है तू भाई। स्कूल पे प्लेग्राउंड है ये किस हाल में आप लोगों को लग रहा है कि ये मार्च में रेडी हो जाएगा? स्कूल वाले कह रहे हैं कि अप्रैल का सेशन करेंगे, मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ। प्रिया जब मैं फ्लैट बना रहा था उसने क्या सोचा था, फ्लैट बनाएगा कौन साला? अरे मेरा मतलब कि जिसका है ये प्लान, उसके स्कूल का प्लान आउट था, प्लॉट ही स्कूल का होता है तभी बनता है। हमारे सभी के सभी ब्रांचेस हमारी होती है, हम लाइक रेंट पे नहीं होते, लाइक अदर स्कूल रेंट पे होते हैं काफी सारे, तो हमारा खुद का हम या तो बनाते हैं या फिर पूरा बिल्डिंग को देखते हैं। क्या क्या चीज है प्रीति दीदी? एक्सपीरियंस है, क्या पता है? ये बेस्ती की बात है, ये बहुत सही है। देखो एक लाख लेकिन इधर की क्लास जाना है ऊपर, नहीं इनसे पूछो। कुछ आस्किंग ऑन स्विमिंग पूल? नहीं अच्छा ये क्या है, कुछ आस्किंग ऑन स्विमिंग पूल? हां एनी क्वेश्चन? ये सीरियस बात है, एनी क्वेश्चन? अभी पता लगेगा तेरे पीछे से ध्यान से तेरी अलाइनमेंट ना बिगड़ जाए। स्मार्ट क्लास को पूछ ले, और फ्लोर घूमनी है इसमें। क्योंकि यहाँ एक ट्रक खड़ा था, दूसरा ट्रक कैसे जाएगा? तू क्यों हंस रही है?
ये यहाँ पे उल्टी पुल्टी करते हैं, खेलेगी जाके अंदर वो, तो यहाँ आते हैं करने। हाँ हाँ पूछ ले इनसे, पूछो हम टेक ऑफ करते पूछ लेती है, समझी नहीं पूरा, देख इसको पूरा ब्रीफ चाहिए। प्रीति जहाज आ गया जाएगी अब अंदर से जाके पहले कार्ड ले आ, फिर कार्ड को दे दियो, जो अंदर बड़े अंदर रहने दे ना, पूरी हिस्ट्री देगी। प्रीति वैसे तू ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकती है? मेरे मन में आते हैं इसलिए पूछती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस किसी के मन में आते हैं? कौन से तेरे आते हैं भाई? कौन से क्वेश्चन? जब स्कूल में नहीं बताया हो ना ऐसे टीचर्स ने ऐसे क्वेश्चन के आंसर, तो बच्चा बड़े होके पूछता है। शूज गंदे हो रहे हैं तो मिट्टी में हो गया, ये शूज गंदे होंगे, धुलेंगे तेरे शूज। चलो चलो अभी चलो। तो ये पाइप लगी है धोया, वो पाइप धो रहा है, वो देख वो भैया धो रहा है, तो नीचे से शूज धुलवा के आ जाओ। चलो प्रीति दी घर चलते हैं, चाय पीना एक एक घर। नहीं अभी पहले इसके लिए कुछ लेने जा रहे हैं। नहीं नहीं पहले घर चलो यार, एक एक चाय जीजू को पाउडर दूध की और हमारे यहाँ वैसे वाले दूध की बना। मतलब क्या टेलकम पाउडर की चाय पिलाओगे तुम मुझको? नहीं आपकी वैसे दूध की बना देगी, हमारी व्हाइट वाले दूध की। मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली है ना, कि चाय मैं भी पी लूंगी। भाई साहब आपको मजा आ गया होगा स्कूल देख के, ऐसे स्कूल सिर्फ प्रिया और प्रीति ही दिखा सकते। अरे बनने के बाद वो बहुत अच्छा बनेगा, ऑर्किड एक ब्रांच है इंटरनेशनल ब्रांच, वो बन रहा है अभी, समझ नहीं आती। बन रहा है बच्चा जब तक चाहे। ये बताओ अभी जिस सेक्टर 23 में बैठ के हीरो बन रहे हो, नया नया लिया था तब ये क्या था? वैसे ही था सेक्टर 23 का सीधा। कैसा था सेक्टर 23 कैसा था सही बताइए, सच्ची में खंडर था सेक्टर 23 खंडर था। हां बिल्कुल झाड़ियां थी। मम्मी कहती थी हम शाम को 5 बजे के बाद आने में 100 बार सोचते थे कोई चेन वेन ना तोड़ ले झाड़ियों में। हां चेन झाड़ियों में, की झाड़ी में करने का जाएंगी मम्मी। आपके घर आना होता था तब हमारे घर आना, तो आज देखो करते थे कूड़ा तक लेके आ गए थे पटेल नगर से यहां फेंक के। कूड़ा कहां से ले आए थे ये नहीं समझ आया। ये प्रीति के ऊपर जाके पूछ लो, तू जा पापा से पूछ के, जरा पूछ के फिर आइयो, फिर हमें बताइयो। जा पापा ने नहीं छोड़ा तो आगे देखो फोन भी आता है। इतनी के चक्कर में मैं सदर बाजार आया कि इसको सीरत के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, और इसको मैं बोल भी रहा हूँ कि बंद होगा मंगलवार है, इसके समझ ही नहीं आता, खोपड़ी में ऊपर से चला जाता है। ये सीन तो काट देंगे अगर हम कुछ बोलेंगे, तुम बताओ रास्ते में पता चला ना बंद है? रास्ते में प्रीति दी नहीं बताया बंद है, झूठ। अब ये चीज कट जाएगी प्रिया, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना। क्यों कट जाएगी? तू वो कोई डीसी लग रही है, क्योंकि तुम्हें अपनी बेइज्जती पसंद नहीं है ना। मेरी बेइज्जती नहीं है, सच्चाई है ये। मैंने रास्ते में ही बता दिया, आज मंडे आज ट्यूसडे आज बंद है। जो बंदा सच्चा होता है ना वो चुप रहता है, जो चीखता है ना वो झूठ पता लग जाता है। कौन चीख रहा है वो बता देंगे सब। चीख तो कोई भी नहीं रहा, बात तू ही चीख रही है। ठीक है, यहाँ हो रहा है काम, और ये इसको पता था? मेरे को नहीं पता था भाई, मैंने अभी बोला देखकर काम हो रहा है। देखो पता था, तूने बोला। अरे नहीं पता था भाई। तो ये तेज बोलने से क्या हो जाएगा? मेरे को पता था, बोल गाड़ी बड़ी महंगा काम हो रहा है। तू बोल मुझे पता था। साइड तो लगाओ महारानी को, तो उतरने दो। केरी महारानी मैं, अरे देखो यहां कैसे के निकल रही है ना। रुक जा रुक जा रुक जा, उस गली से चले जाएंगे, चिंता मत कर। तो फिर ऊपर तक चलना चाय पी के जा रहा है? अबे चल तू। अरे पैरी सो रही है ना, आपने कौन सा ट्यूशन? नहीं नहीं ट्यूशन ये भी तो सो गया ना। पी के जाना नहीं भैया, 5:15 बज गए हैं, जाओ। जॉब में क्या, चाय में क्या हो जाएगा? हमें जाम मिलेगा भाई, सीमाएं बना देगी। क्या क्या कह रही है, क्या बोली, क्या बोली प्रिया? तुझे बताना पड़ेगा कुछ नहीं, प्राइवेट। मैं रात को आऊंगा नहीं, तू बता दे पहले। प्राइवेट है, मैं आऊंगा ही नहीं। लड़की वाली गंदी बात। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तब भी मुझे बताओ। वो कह रही थी रात को आऊंगी ना, तू अभी चाप बनाएगी थोड़ी सी मिलने में चाल। इसमें लड़की वाली क्या बात हुई? चल भाई तुम भी कितना झूठ बोल रही हो, मैंने पूछा था रेसिपी बताइयो कैसे बनती है। अच्छा कुछ भी बोलते रहते हो। प्रिया को अब घर पे उतार दिया है, कीरत पीछे सो चुका है, और प्रभनूर का फोन आया था कि पापा मैं भी ट्यूशन नहीं जा रही हूँ, मैं भी सो रही हूँ, और अब मैं और प्रीति घर जा रहे हैं। ओहो उसका सामान तो दिया नहीं। किसका क्या है अब, क्या है ये? प्रिया उसके बच्चे के कपड़े हैं। तो रात को दे दियो। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, सामान तो ये ले आती है, आदत है ना रखने की, देने की आदत नहीं है रखने की आदत है। तो अब सीधा घर जा रहे हैं, पहले घर जाके कुछ खाएंगे, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, और आपको मैंने रास्ते में बताया भी था कि मुझे भूख लग रही है, मैं घर जाके पहले कुछ खाऊंगा। घर जाना तो तब नसीब ही नहीं हुआ था। तो अब सीधा घर पहुंचते हैं और पहले कुछ खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो कीरत को तो लिटा दिया है, सो रहा है, और मेरे लिए बन के आ गया है ब्रेड का ऑमलेट। तो मैं ब्रेड ऑमलेट एंजॉय करता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो, और टिल देन मजे मारो, चिल मारो। प्रीति चाय भी ले आई है भाई, आज फुल सर्विस हो रही है, देख लो मजेदार। और क्या कहते हैं, डैडी भी रात को आ जाएंगे, उनको एयरपोर्ट लेने जाना है,
तो जैसे भी बात होगी उनसे पता करते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना, कमेंट तो जरूर कर देना यार, प्यार बहुत करते हो कमेंट में आप लोग। टिल देन बाय बाय, टाटा।